तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूँ SSB में आपको कांस्टेबल GD का भर्ती निकल चुका है। यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं SSB सीमा सुरक्षा बल में, आपका सशस्त्र सीमा बल में सॉरी, ठीक है। इसमें आपका कांस्टेबल GD के पोस्ट पर भर्ती यहाँ पर निकला हुआ, ध्यान से देख लो, नोटिफिकेशन है आपको जारी कर दिया गया है। और ये फॉर्म कैसे भरना है, वो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं फुल डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखें और किसी में कोई भी सवाल करें, कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूंगा। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर आपका निकाला गया वैकेंसी। ऑनलाइन अपलीकेशन आर इन्वाइटेड टू इंडियन सिटीजन मेल फीमेल फॉर फिलिंग अप 150 वैकेंसी ऑफ नॉन रजिस्टर्ड कॉम्बिनेशन एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन SSB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये निकाला गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 150 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है, 150 पदों पर यह वैकेंसी निकला हुआ है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं 150 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है आप लोग। और ये किन किन के लिए है तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर तो ये जो है आपका वैकेंसी वो स्पोर्ट्स पर्सन वाले के लिए है, देख सकते हैं इसमें कितना पोस्ट दिया हुआ है। तो इसमें फुटबॉल का है, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, रेसलिंग, ठीक है। और यहाँ पर बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग और भी कुछ कुछ पदों पर है, देख सकते हैं आप लोग। बैडमिंटन का भी यहाँ पर निकाला गया है, स्विंग के लिए भी है। तो यहाँ पर देख लें क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं सभी को। और ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड आपका होने वाला है, ऑफलाइन ये नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एज की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अंडर कॉन्स्टेबल GD के 18 से 23 साल, रिजेक्शन मेंशन ऑफ पारा। तो जो भी है इसका रिलेक्शन में बताऊंगा डिटेल आगे। एडुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास आपका चाहिए। और यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या है, प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड एनी नाइट इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ कंट्री सिंस 1/1/2017 या प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन लास्ट ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप्स एंड एशियन गेम्स, या प्लेयर्स हुज हैव वॉन मेडल इन इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिंस 1/1/2017 के बाद काम चाहिए। टू लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 days फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द राशन एम्प्लॉयमेंट नोटिस, द क्लोजिंग डेट ऑफ विल बी 30 दिन के लिए आपका किया गया है ऑनलाइन खुलेगा, और रिमोट एरिया के लिए 37 दिन का है। तो चलिए आगे और मैं बताता हूँ। रिलेक्शन की बात करूँ तो जनरल वाले के लिए 5 साल के लिए इसमें छूट दिया गया है, ST SC वाले के लिए 10 साल के लिए, OBC वाले के लिए 8 साल के लिए, एक्स सर्विस मैन जो है उनके लिए 8 साल के लिए, एक्स सर्विस मैन OBC के लिए 11 साल, एक्स सर्विस मैन ST SC के लिए 13 साल, जम्मू कश्मीर वाले के लिए यहाँ पर 10 साल का छूट है, जम्मू कश्मीर OBC वाले के लिए 13 साल का छूट है, ST SC जम्मू कश्मीर वाले के लिए 15 साल का छूट है, चिल्ड्रेन ऑफ गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें आपका 10 साल के लिए छूट है, और OBC वाले के लिए 13 साल और ST SC के लिए 15 साल का छूट दिया गया चिल्ड्रेन एरिया। और इनके सब OBC यहाँ पर देख सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। फी आपका कितना, 100 रुपये आपका फ़ी लग रहे हैं, ST SC OBC के लिए फ़ी नहीं लग रहे हैं, ST SC एक्स सर्विस फीमेल के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, SSB रिक्वायरमेंट डॉट पर जाकर आपको government.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। पार्ट ए फिलिंग आपको कैसे करना, तो ये देख सकते हैं पोस्ट कैंडिडेट नेम ये सब जो भी है दिया हुआ है, आप लोग सभी को भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर उसका मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा कैसे आपको भरना है इस विषय पर। अपलोडिंग फोटो, अपलोडिंग सेज, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, ये सब आपको करना है। पार्ट 3 में आपको पेमेंट करना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वेन्यू। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम इसमें नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट शो का पहले चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस फील्ड ट्रायल लीजिएगा, 100 नंबर का आपका इसमें ट्रायल होगा। चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स 50 नंबर फील्ड ट्रायल लिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्या होगा, 170 सेंटीमीटर मांगा गया हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया, मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। तो जो भी हाइट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, वेट आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। तो यही अपडेट था फ्रेंड्स, ध्यान से देख लो आप लोग, और कुछ ज़्यादा नहीं है, खाली फिजिकल है और फिर मेडिकल है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जो दिया जाएगा वो देख सकते हैं यहाँ पर,
कंट्री वाइज मेडल वाले को लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ओलंपिक वाले के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो हुआ था सिल्वर मेडल वाले उनके लिए दिया जाएगा। तो बस ये अपडेट था फ्रेंड्स, देखते 16 तारीख का आपका अपडेट दिया हुआ है, निकाला गया था एडवर्टाइजमेंट आपका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।